आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। हिंदू संगठन के विरोध के बाद अधिकारियों ने बंद करवाई मांस की दुकान। अगली बार दुकान न लगे इसलिए जब्त किया सामान। सनावद नगर के इंदौर इच्छापुर मार्ग सहित अन्य स्थानों पर संचालित मांस मटन की दुकानों को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और तहसीलदार को ज्ञापन देकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। हिंदू संगठन द्वारा दिया गया ज्ञापन के अगले दिन क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों ने शंकर मंदिर के पास स्थित दुकानों पर सामान जब्ती के साथ नगर के अन्य स्थान पर भी संचालित दुकानों का भ्रमण किया। तहसीलदार अंतरसिंह गणेश, टीआई इंद्रेश त्रिपाठी, सीएमओ राजेंद्र मिश्रा अपने अपने अमले के साथ नगर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के सामने स्थित मांस की दुकान हटाने पहुंचे, जहां दुकान बंद थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा अगली बार इस दुकान का संचालन न हो इसके लिए वहां के सामान को जब्त किया गया। इसी तरह पशु बाजार के सामने एक दुकान की शिकायत मिली, इसका भी सामान जब्त कर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि नगर में अन्य स्थानों पर भी संचालित दुकानों को लेकर सतत नजर रखी जाएगी। श्रावण मास और ओंकारेश्वर रोड से आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इन मार्गों पर इस तरह का व्यवसाय नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की कार्रवाई का असर यह रहा कि नगर के अन्य क्षेत्र में संचालित दुकान सुबह से ही बंद रही। कार्रवाई के दौरान पटवारी शांताराम पवार, एसआई रमेश चंद्र गहलोत, प्रधान आरक्षक रमेश जमरे, आरक्षक सुमित भदौरिया, जय सोलंकी, विनोद गौर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।